चलिए, हम कल प्लांट रिप्रोडक्शन ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर। और आपको बस इतने ही टाइप से क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है लगभग डेटा चेंज होंगे और आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है नीट में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में मैं आपको यहाँ बताते चलता हूँ। क्वेश्चन है कि कैप्सेला के प्लांट में 100 बीज या सीड बनाने के लिए कितने मियोसिस डिवीजन लगेंगे। ठीक है, देखो कैप्सेला का प्लांट बोल दे या मेज का प्लांट बोल दे, कोई भी प्लांट बोले, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि कोई प्लांट है जिसमें 100 सीड बनाना है तो बताइए कितना मियोसिस डिवीजन लगेगा, तो इसके लिए सीधा सा एक फॉर्मूला याद रखना बेटा, नंबर ऑफ मियोसिस है ना इक्वल टू एन प्लस एन बाई फोर। यहाँ जो एन है बेटा, ये स्मॉल एन जो है ये नंबर ऑफ सीड है, ये याद रखिएगा, क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि 100 सीड बनाने के लिए, तो सीधे सी बात है नंबर रखते जाइए, 100 प्लस 100 बटे 4, तो 4 एकम 4 25 हम, क्लियर। तो कितना आ गया बच्चा 125। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 125, मतलब अगर हमें 100 सीड बनाना है तो कितना मियोसिस डिवीजन लगेगा, 125, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है, देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैप्सेला का जो फ्लावर है या कैप्सेला या मस्टर्ड जो भी है ना, इसका जो फ्लावर है टेट्रा डायनेमस कंडीशन में है और इसके हर माइक्रोस्पोरेंजियम में 100 पॉलन मदर सेल है, तो बताइए इस पौधों में, इस पौधे के फ्लावर में या पुष्प में कितना पॉलन ग्रेन बनेगा। देखिए पहले ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। देखिए अगर मैं आपको बताते चलूं तो ये होता है बेटा स्टेमेन, स्टेमेन जो होता है बेटा बाइलोब्ड होता है, और अगर मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटूं तो आपके जो एनसीईआरटी में डायग्राम दी हुई है कुछ ऐसी दी हुई है ना, ये अगर इसको मैं ऐसे क्रॉस कर दूं तो ये वन लोब, सॉरी ये एक लोब, ये दो लोब, एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं है ना, तो दोनों मिला के 4। अब ये कह रहा है कि हर माइक्रोस्पोरेंजियम में 100 100 100 100, कितने 100 100 पॉलन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, क्लियर। तो अब मुझे बताइए कि अगर 100 100 है और आपको पता है कि अगर हमको एक, यदि हमको अगर हमारे पास एक पॉलन मदर सेल है और इसमें मियोसिस कराते हैं तो एक पॉलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो बताइए यहाँ कितना बनेगा, गुणित 4 कर दो, यहाँ कितना बनेगा, गुणित 4 कर दो, यहाँ कितना बनेगा, गुणित 4 कर दो या मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से कितने बने, 100 गुणित 4 400, यहाँ से कितने बने 400, यहाँ से कितने बने 400, यहाँ से कितने बने 400, मतलब 4 4 16 100, क्लियर बच्चों। यहाँ पर कितना बना है, 1600 माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बने हैं। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ने कहा है कि ये फ्लावर कैसा है, टेट्रा डायनेमस। अगर ये फ्लावर टेट्रा डायनेमस है, टेट्रा डायनेमस मतलब ये होता है बेटा कि ये फ्लावर में कितने स्टेमेन, 6 6 6, क्लियर। तो अगर मैं इसको बताऊं तो 6 स्टेमेन है, मतलब ये देखिए 6, तो इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 6 से, तो बताइए तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 0 0, 6 6 36 और 3 1 3 और 6 मतलब 9 9600, क्लियर। क्लियर। चलिए अब आंसर, चलिए ये तो हो गया दूसरे का, क्लियर। अब सॉल्यूशन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का।
क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहना चाह रही है, ये ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रही है बेटा कि ग्राम का जो फ्लावर है ना, उसके हर माइक्रोस्पोरोंजियम में 100 पॉलेन मदर सेल है, तो बताइए इसके फ्लावर में कितने पॉलेन ग्रेन होंगे। देखो क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ो, सेम वही क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है देखो, हमने इसके एंथर का टीएस काट लिया, यहाँ पर दो माइक्रोस्पोरोंजियम, यहाँ पर दो माइक्रोस्पोरोंजियम, हर माइक्रोस्पोरोंजियम में कितना सेल है, 100 पॉलेन मदर सेल है। एक पॉलेन मदर सेल से कितने माइक्रोस्कोप स्पोर बनते हैं, तो चार बनते हैं, तो बेटा इसको चार से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 100 गुणित चार कर दो, ये भी कितना हो जाएगा 100 गुणित चार हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 100 गुणित चार। क्लियर, मतलब ओवर और टोटल चार एकम चार, चार दुनिया आठ, चार थे बारह, चार चौक 1600, कितने बने 1600 पॉलिन ग्रेन बने हैं अब तक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो, कि ये ग्राम का जो फ्लावर है ना, चने का जो फ्लावर है, और आपको पता है चने के फ्लावर में एंड्रोशियम कितने होते हैं, एस्टिमेट कितने होते हैं बेटा, 10, आपको पता होगा 8, 9 + 1, 10, तो 1600 गुणित 10 यानी 16000। क्लियर, तो यहां पर नंबर ऑफ पॉलेन ग्रेन कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री पे, 16000। ठीक है बच्चों, अब चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर ये कह रहा है कि अगर फीमेल जो है 2n है और इसका क्रॉस हो रहा है मेल से, जो मेल की प्लॉयडी है 4n, तो बताइए इसमें एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो और सीड कोट की प्लॉयडी क्या होगी। तो देखो बच्चों, आपको पता होगा कि ये फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट में ये एग सेल है, अगल बगल सिनर्जिस सेल होती है, ऊपर एंटीबोटल सेल होती है, बगल में पोलर न्यूक्लियस होती है, सेंट्रल न्यूक्लियस, जो भी बोलो आप। अब जब याद करो, जब पॉलेन का जर्मिनेशन होता है तो पॉलेन ट्यूब बनता है, और पॉलेन ट्यूब से आगे आगे ट्यूब न्यूक्लियस आती है, और पीछे पीछे दो मेल न्यूक्लियस आते हैं। ठीक है, अब ये देखो मेल की प्लॉयडी क्या है, आपको मेल की 4n है, तो हैप्लॉयडी क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। वैसे फीमेल जो है ये 2n है, तो इसका हैप्लॉयडी क्या हो जाएगा, nn। तो मुझे ये बताओ, ये जो एग सेल है उसकी प्लॉयडी क्या हो जाएगी, n, सिनर्जिस सेल की n, ये वाली सेल सिनर्जिस सेल की n, एंटीपोडल तीन है तीनों की n, सेंटर वाली की n। अब सुनो, ये जो एक मेल गैमेट है ये एक सेल को फर्टिलाइज करेगा, और इस एक मेल गैमेट की प्लॉयडी क्या है, 2n है, इस एक मेल गैमेट की प्लॉयडी क्या है, 2n है। अब 2n और n मिल जाएंगे, क्या बन जाएंगे, 3n बन जाएंगे। हाँ, तो ये एग सेल है, एग सेल और मेल गैमेट मिलके क्या बना लेंगे, जायगोट, वो जायगोट कैसा होगा, 3n होगा, और यही बाद में जाके एम्ब्रियो बना लेगा, इसकी भी प्लॉयडी क्या होगी, 3n। अब आती है एंडोस्पर्म, ये याद करो, सेंट्रल वाला जो न्यूक्लियस है वो, और एक और मेल गैमेट बचा है वो, ये आपस में क्रॉस करके क्या बना लेंगे, मेल गैमेट। तो बताइए ये किसकी प्लॉयडी कितनी है, n, इसकी प्लॉयडी कितनी है, n, और ये कितना है, 2n, तो ये सभी मिलके क्या बना लेंगे, एंडोस्पर्म, मतलब 2n, 3n, 4n, तो एंडोस्पर्म की प्रायोरिटी लेवल क्या हो जाएगी, 4n। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है सीड कोट की प्रायोरिटी क्या होगी, तो देखिए जो फीमेल है वही सीड कोट है ना, मतलब फीमेल की जो प्रायोरिटी है वही सीड कोट की प्रायोरिटी होगी, तो फीमेल की प्रायोरिटी क्या है, 2n है, तो सीड कोट की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 2n, क्योंकि सीड कोट जो बनता है इंट्यूगमेंट से ही बनता है, आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट, तो जो आउटर इंट्यूगमेंट की प्लॉयडी क्या होती है, 2n, इनर इंट्यूगमेंट की प्लॉयडी क्या होती है, 2n, डिप्लॉयड होती है उससे। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन एंजियोस्पर्म, देखिए एक एंजियोस्पर्म के प्लांट में
एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या 30 है, ठीक है। एक एंजियोस्पर्म के प्लांट में जिसमें एंडोस्पर्म का में क्रोमोसोम की संख्या 30 है, तो बताइए न्यूसेलस में उसकी संख्या कितनी होगी। तो चलिए देखिए बच्चों, एंडोस्पर्म है ना, एंडोस्पर्म में कितना क्रोमोसोम है कह रहा है 30। और आपको पता होना चाहिए बेटा कि एंडोस्पर्म की प्लॉयडी क्या होती है, 3n, तो 3n इक्वल टू 30, तो इसकी हैप्लॉयडी लेवल क्या हो जाएगी 10। अगर आपको हैप्लॉयडी लेवल मिल गया तो क्वेश्चन आगे बहुत सरल है। तो उसने पूछा है कि न्यूसेलस में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले ये जानो बेटा न्यूसेलस की प्लॉयडी क्या होती है। न्यूसेलस की प्लॉयडी होती है बेटा 2n, है ना। अब इस n की वैल्यू यहाँ रख दो तो हो जाएगा कितना बेटा 20। तो न्यूसेलस की प्लॉयडी क्या हो जाएगी 20। क्लियर बच्चों, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन ये कह रहा है कि न्यूसेलस सेल किसी एंजियोस्पर्म के न्यूसेलस सेल में 24 क्रोमोसोम है। ओके, अगला क्वेश्चन ये सॉल्यूशन देखिए कि न्यूसेलस सेल में कितने क्रोमोसोम है, बोल रहे हैं 24 क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि पॉलन ग्रेन, हाँ चलो लिख देते हैं क्वेश्चन, इसमें पॉलन ग्रेन में कितना क्रोमोसोम होगा। दूसरा बोला है एंडोस्पर्म में कितना क्रोमोसोम होगा, और तीसरा बोला है एम्ब्रियो। तो चलो बच्चों, सबसे पहले न्यूसेलस की प्लॉयडी लेवल क्या होती है, न्यूसेलस की प्लॉयडी लेवल होती है बेटा 2n, 2n इक्वल टू 24। तो आप मुझे बताइए n हैप्लॉयड कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ से क्वेश्चन सरल है, देखो पॉलन ग्रेन की प्लॉयडी क्या होती है n, और n का वैल्यू क्या है 12, ठीक है। एंडोस्पर्म की प्लॉयडी लेवल क्या होती है 3n, गुड 3n है, तो अब n की वैल्यू क्या है 12, तो 12 तिया कितना हो जाए 36। अच्छा एम्ब्रियो की प्लॉयडी क्या होती है 2n, क्लियर। तो n की वैल्यू यहाँ भी रख दो तो 2 × 12 = 24, क्लियर बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया है, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक एंजियोस्पर्म के पौधे में क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड प्लांट में, कोई क्वेश्चन में ये कहा गया कि हैप्लॉइड प्लांट में क्रोमोसोम, मतलब ये हैप्लॉइड प्लांट है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना है 12। अब क्वेश्चन पूछा है, दो क्वेश्चन इसमें साथ हैं ए और बी में, कि बताइए भैया इसमें इंटेग्यूमेंट का में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, और दूसरा सिनर्जिड सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना है। तो मुझे बताओ, अब आपको प्लॉयडी लेवल पता होना चाहिए, फिर ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाए। इंटेग्यूमेंट की प्लॉयडी क्या होती है 2n, ये डिप्लॉयड सेल है, तो बताइए रख दो फिर 2 × 12 कितना आ जाएगा बेटा 24, क्लियर। और सिनर्जिड, याद करो सिनर्जिड अभी मैं थोड़ी देर पहले बनाया था, सिनर्जिड की प्लॉयडी लेवल क्या होती है n, तो सिनर्जिड का में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी 12। बेटा ये जितने टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो आ सकते थे या आए हैं नीट में, मैंने आपको करा दिया, अब आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।